हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर से स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेजरमेंट टेक्निक का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। ये यूनिट 5 से लिया है मैंने, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट टेक्निक का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं और सेमेस्टर के, तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगी। तो चलिएगा आगे देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि एक विशिष्ट गैस फेस इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन उपकरण में इलेक्ट्रॉन को एक गर्म फिलामेंट में उत्सर्जित किया जाता है और फिर एक संभावित ढाल के माध्यम में त्वरण किया जाता है। फिर वे गैस की धारा से होकर एक फ्लूरोसेंस स्क्रीन पर चले जाते हैं। संभावित अंतर्वी के माध्यम से त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है लेमडा बराबर एच अपॉन टू एम ई ई वी और 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे गैसेस सैंपल इलेक्ट्रॉन बीम किरण के लिए एटम एटम प्रतिकरण में सभी संभावित अभिविन्यास प्रस्तुत करते हैं, परंतु विवर्तन पैटर्न में पृष्ठभूमि पर संकेंद्रित तरंगों की एक श्रृंखला होती है जिसकी तीव्रता बढ़ते ही स्कैटरिंग एंगल के साथ लगातार घटती जाती है। तरंगों का कारण आणविक प्रकीर्णन है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये घटता जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होगा इसकी, एंगल घटता जाएगा, ठीक है, के साथ घटती जाती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे देखेंगे तो कह रहा है कि एटम स्थितियों में तीव्र रूप से परिभाषित प्रकीर्णन इसकी पृष्ठभूमि मुख्यतः परमाणु प्रकीर्णन के कारण है। कुल तीव्रता को समतल और करने और इसलिए उतार चढ़ाव पर जोर देने का एक तरीका स्क्रीन के सामने जो डायग्राम दिया गया है इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। एक घूमने वाली दिल के आकार की डिस्क डालना है, तो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक रोटेशन हो रहा है, फिर इधर एक रोटेशन हो रहा है और यहाँ पर ये स्क्रीन दी गई है, ठीक है। ये सैंपल दिया गया है, ये डिफ्रेक्शन बीम है, ठीक है, ये वाले ये रोटेशनल स्कैटर है और ये स्क्रीन है। तो अब आगे देखेंगे इस डायग्राम को आपको एग्जाम में लिख कर रहना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विवर्तन उपकरण का लेआउट विवर्तन पैटर्न का फोटो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के लिए से लिया जाता है। एक घूमता हुआ दिल जो कि आप देख सकते हैं, दिल के आकार का क्षेत्र परमाणु स्थितियों में बिखरने पर जोर देता है और अणुओं में निरंतर इलेक्ट्रॉन विवर्तन से बिखरने के कारण आसानी से बदलती पृष्ठभूमि को दबा देता है। अब सेकंड नंबर में डायग्राम दिया गया है, इसके बारे में देखेंगे हम। प्रकीर्णन की तीव्रता में उतार चढ़ाव के आस के साथ एक सुचारू रूप से बदलती पृष्ठभूमि शामिल होती है। बी नंबर में कह रहा है कि यदि एक सेक्टर को स्क्रीन के सामने घुमाया जाता है तो फिर तीव्रता को एस बराबर 4π लेमडा साइन 1/2 थीटा के विरुद्ध प्लॉट किया जाता है, तो उतार चढ़ाव पर जोर दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, इस पे जोर दिया जाता है। अब दूरी R1 द्वारा अलग किए गए और आपतित किरण में के एक निश्चित कोण पर उन्मुख नाभिकों की जोड़ी से इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन की गणना करना संभव है। फिर परमाणु को इस जोड़ी के सभी संभावित अभिविन्यास की अनुमति देकर समग्र विवर्तन पैटर्न की गणना की जाती है। यह प्रक्रिया सभी संभावित अभिविन्यासों पर एकीकरण के समान है। विवर्तन तीव्रता के लिए प्राप्त अंतिम अभिव्यक्ति है, तो IIJ थीटा बराबर 2FFI1+sin SRIJ है ये, ठीक है, ये I है, ये J है, अपॉन है SRIJ। अब यहाँ भी S क्या है, इसमें हम इसके बदले में हम लिख सकते हैं 4π/λ sin θ/λ² और लेमडा वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम और थीटा प्रकीर्णन कोण है, ठीक है, इतनी बताई समझ में। अब क्वांटिटीज Fi और Fj इथ एटम्स और स्कैटरिंग फैक्टर्स है, वे परमाणु की प्रकीर्णन शक्ति निर्धारित करते हैं। अब आगे कह रहा है कि यदि एक परमाणु में कई परमाणु यदि एक अणु में कई परमाणु होते हैं तो कुल तीव्रता वायरल इक्वेशन द्वारा दी जाती है, अर्थात वायरल इक्वेशन दिया गया है IS अल्फा समीशन FiFj साइन SRIJ अपॉन SRIJ, जहां अणु के सभी परमाणु I और J पर योग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विवर्तन पैटर्न की व्याख्या अणुओं में परमाणु के सभी संभावित युग्मों के बीच की दूरी में संदर्भ में की जा सकती है, केवल एक साथ बंधे हुए नहीं। दुर्भाग्यवश विथर्स वियर्ल
याद दिया है। तो वियर समीकरण एस के विभिन्न मूल्यों पर आई एस के माप से आंतरिक दूरी आर की सीधी गणना की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एम एस सी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। थैंक यू।